So hey guys, it's me Basil Thomas, and the Learn Street Thomas has come with the chapter Financial Management, which is we are starting with the introduction to financial management. So in accounting, there are three types of accounting, that is financial accounting, cost accounting, and financial management. So in financial accounting, it is all about the accounts which we learn from 11th and 12th commerce batch, who all studies the commerce, start studying the financial accounting itself in the 11th and 12th in the subject name under bookkeeping and accountancy. And the cost accounting and financial management are two new subjects which are for BAF students, those who study BAF, especially in Mumbai University. So the financial accounting is all about the final accounts, balance sheet, asset liabilities, as we learn in the 11th and 12th. And cost accounting is how the cost of a product is determined till the production, from the raw material to production, how much is the cost, how did we incur the cost, and thus we decide a final cost for the product in the cost accounting. And financial management is all about how we raise the capital for a company, how can we reduce the interest or loan, or how can we increase money without any wastage of money, less loss, more income, is the main aim of the financial management. Today we are going to start with the introduction of the financial management. So let's see. So as the definition by Frederick Wills, F.W. Fish, is finance may be defined as the position of a money at the time it is wanted. Jab humko paisa chahiye, wo jab chahiye uske liye hum finance bolte hain. Finance may be defined as the position of money at the time it is wanted. तभी क्या बोल रहा है, जो पैसा हमको जो टाइम में चाहिए उसको बोलते हैं फिनांस. और जॉन जे हैम्पटन बोलते हैं, द टर्म फिनांस कैन बी डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ अ फ्लो ऑफ मनी थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट बिकम्स एन कॉर्पोरेशन, स्कूल, बैंक और गवर्नमेंट एजेंसी. जो मनी फ्लो कौन सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो कॉर्पोरेशन हो, स्कूल हो, बैंक हो, गवर्नमेंट एजेंसी हो, किधर से ये मनी फ्लो होता है, वो है फिनांस, अकॉर्डिंग टू जॉन जे हैम्पटन. आगे आते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट. फिनेंशियल मैनेजमेंट में बोला फिनांस मतलब क्या, जो मनी हमको जो टाइम में चाहिए उसको हम बोलते हैं फिनांस. अभी हम फिनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं. तो फिनेंशियल मैनेजमेंट इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द टेकिंग डिसीजंस रिलेटिंग टू क्रिएशन और मेंटेनेंस ऑफ वेल्थ. तो कैसे नया वेल्थ हम लोग क्रिएट करेंगे हमारा एक बिजनेस के लिए, और वो कैसे मेंटेन करके जा सकते हैं, दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ द फिनेंशियल मैनेजमेंट. वेयर टू गेट फंड्स फ्रॉम डेब्ट्स हो सकता है, कैपिटल रेज कर सकते हो, फिर डिबेंचर्स, बैंक लोन, टर्म लोन, वो सब रहेगा हमारा. फंड्स किधर से आया, व्हाट टू डू विद द फंड्स, हम लोग क्या करेंगे इस फंड से, हम लोग जो रेस करेंगे वो प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे, हम डिविडेंड देंगे हमारा जो परचेसर ऑफ द दो शेयर हमारा बाय करता है, डिविडेंड देंगे, और जो लोन दिया उसका इंटरेस्ट पे करेंगे, वैसे सब फंड्स. और व्हाट टू डू विद प्रॉफिट, अभी हम लोग फंड्स लिए, बनाए, सेल किए, उसका प्रॉफिट से क्या करेंगे, उसमें भी से हम लोग डिविडेंड देंगे, वैसे सब. और आगे आएंगे फिनेंशियल मैनेजमेंट. फिनेंशियल मैनेजमेंट मींस
planning and organizing, directing and controlling the financial activities such as procurement and utilization of funds of the enterprise. It means applying general management principles to financial resources of the enterprises. तो इसने मेन जो मार्क किया है प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ऑफ द एंटरप्राइज. एक एंटरप्राइज एक बिजनेस एंटिटी है, उसमें कैसे हम खरीदेंगे, हम कैसे फंड्स बनाएंगे और वो कैसे यूटिलाइज करते हैं अप टू विदाउट एनी वेस्टेज, उसको हम फिनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं. विद द यूज ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, जो हम कॉमर्स में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग जिसका जो पढ़ते हैं हम सेकेंड चैप्टर में इन महाराष्ट्र बोर्ड, उसका फिनेंशियल एक्टिविटीज कैसे हम यूज कर रहे हैं वो फिनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं. अभी फिनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, कैसे डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टमेंट किधर करना है और डिसीजन क्या करना है, फिनेंशियल डिसीजंस, फिनेंसिंग डिसीजन, कैसे फिनेंस करेंगे, किधर से लेंगे, शेयर्स करेंगे, डिविडेंड लेंगे और टर्म लोन लेंगे, ऐसे डिविडेंड कितना डिविडेंड देंगे, अभी बिलो द मार्केट प्राइस देंगे या ये टाइम देंगे नहीं नेक्स्ट टाइम देंगे, हम बोलेंगे कि हम लोग को जो इम्प्रूव करना है डेवलपमेंट करना है उसके लिए वेट करेंगे और आगे जाएंगे. विदाउट पेइंग वी कैन स्किप वन ईयर सो दैट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस एंड नेक्स्ट ईयर वी कैन पे डबल डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स. अभी प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, फाइनेंस मैनेजमेंट मेनली दो चीजों में ध्यान देते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड किधर से आ रहा है फंड, मैं आपको पहले भी बोला हूँ प्रोक्योरमेंट फंड है, टर्म लोन, शेयर, हम लोग जो इक्विटी शेयर जो पब्लिश करते हैं, प्रेफरेंस शेयर जो हम मार्केट को देते हैं और टर्म लोन, डिबेंचर्स, वो सब रहेगा हमारे प्रोक्योरमेंट फंड. यूटिलाइजेशन फंड प्रोडक्शन में हम लोग यूटिलाइज करेंगे, फिर प्रोडक्शन में करेंगे उसका प्रॉफिट मिलने वाला डिविडेंड देंगे, वैसे सब हम यूटिलाइजेशन करते हैं. हमारा एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर्स को सैलरी देंगे या वर्कर्स फैक्ट्री वर्कर्स को हम सैलरी देंगे, वैसे सब हम करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. स्कोप ऑफ फिनेंशियल फंड फिनेंशियल मैनेजमेंट, सो स्कोप ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, कितना फंड चाहिए हम लोग को, हमको अभी 5 करोड़ चाहिए, हम तो अभी 5 करोड़ से ही लेंगे, 10 करोड़ ले लेंगे क्योंकि हमको नहीं है तो फिर क्यों लेंगे. और डिसीजन रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना डिबेंचर्स होना चाहिए, कितना हम लोग शेयर कैपिटल से रेस करना चाहिए, वो सब रहेगा डिसीजन रिगार्डिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर. और द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हम किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना हम लोग को रिटर्न आएगा और क्या रहेगा उसका इंटरेस्ट रेट, सब देख के हम डिसीजन लेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए. डिविडेंड डिसीजन, कितना डिविडेंड देना है, अभी 10 रुपये हमारा मार्केट शेयर पर हम लोग को यूज करना है डेवलपमेंट के लिए कंपनी का, तभी हम लोग 10 का शायद 5 भी दे सकते, नहीं तो नहीं दे के नेक्स्ट टाइम देंगे बोल के हमको शेयर होल्डर्स को स्टॉप कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग डबल पे करेंगे बोल के विद अ मोर प्रॉफिट इन फ्यूचर बोल के हम लोग को डिविडेंड हम नहीं भी दे सकते, नहीं तो हमारा जो मनपसंद 10 है मार्केट वैल्यू तो हमको 8 दे सकते हैं, 9 दे सकते हैं या 5 रुपीज भी दे सकते हो, हमारा ऊपर रहेगा. और कैश मैनेजमेंट, कैसे हम कैश यूज करेंगे विदाउट एनी वेस्टेज, मतलब हम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ना उठा के जो है उस पैसे से आगे कैसे हम कंपनी चलाएंगे वो रहेगा द कैश मैनेजमेंट. Evaluation of financial performance, हाँ हमारे फिनेंस का इवेल्यूएशन करेंगे फिनेंशियल मैनेजमेंट ने, कितना चल रहा है, कैसे चल रहा है और ऐसे जाएगा तो क्या होगा, ऐसे डेप्थ में आएगा तो हम लोग हम डिसॉल्व हो जाएंगे या
हम लोग अभी प्रॉफिट में जा रहे हैं तो और हम लोग को डेवलपमेंट हो सकता है, वैसे सब हम इवेल्यूएशन कर सकते हैं। और नेगोशिएशन फॉर एडिशनल फंड, हम लोग नेगोशिएट करते हैं एडिशनल फंड के लिए, मतलब किधर कम रुपए में हम लोग को लोन लोन मिल रहा है हम लोग उधर ही जाके लेंगे। हम अभी देखो अभी होम लोन कर रहे हैं एग्जाम्पल, तो होम लोन अभी HDFC है 7.545 6.75 6.7 और NKGB बैंक में आप सोच रहे हो कि 7% 7.75%, तभी हम किधर जाके लेंगे लोन। हम जाएंगे 6.75 का उधर जाएंगे उधर जाके लोन लेंगे 6.75। हाँ मैं इधर ही लूंगा लोन SBI या HDFC 6.75 है उधर लोन, तो हम जो मिनिमम इंटरेस्ट है उधर से ही लेंगे हम। और एनालिसिस ट्रेंड्स इन स्टॉक मार्केट, हम तो भी ट्रेंड जाएंगे अभी बुलिश है क्या या बेरिश है क्या, क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट में, अभी बुलिश जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड बेरिश जा रहा है तो क्या होगा, सब हमको एनालाइज करना है फिनेंशियल मैनेजमेंट में। अब आगे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, वो ऑब्जेक्टिव क्या है फिनेंशियल मैनेजमेंट है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, हम जो फंड्स ले रहे शेयर कैपिटल से हो या डिबेंचर से हो या कैपिटल मार्केट से हो किधर से भी हो, हम लोग कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं फंड को विदाउट एनी वेस्टेज। वेस्टेज मतलब विदाउट एनी पनी, वेस्टिंग विदाउट एनी पनी, हम लोग अकाउंट अच्छे करके विदाउट मिनिमम रिसोर्स मैक्सिमम रिसोर्स मिनिमम यूसेज, तो किधर से कम में पैसा प्राइस में मिल रहा है हम लोग उधर से लेंगे। मैक्सिमम ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं किधर भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे सोच लो, वो मैक्सिमम रिटर्न मिलने के लिए हम लोग मैक्सिमम ट्राई करेंगे, ना कि कम रुपये में देख के हम हमारा लॉस करेंगे या ज़्यादा रुपये लेके उन लोग को में लॉस नहीं करेंगे हम। और मैक्सिमाइजेशन रिटर्न हम लोग करेंगे पर विद द इंटेंशन टू डू गुड फॉर अदर्स ऑल्सो। सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब हम लोग लॉस में जा रहे हैं, फर्स्ट हम लोग अभी स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट किया है और ये अभी हमारा फर्स्ट ईयर है, हम लोग को कुछ नहीं मिला रहेगा, कुछ भी एक पेनी भी नहीं मिला रहेगा हमारा जो बिजनेस को हम लोग स्टार्ट करके, फिर भी हम लोग चला रहे कैसे भी सर्वाइव करके चल रहे हैं, वैसे होगा लॉस में रहा शायद फिर भी हम लोग लोन लेके सब चला रहे हो रहे सर्वाइवल। कैश फ्लोस, कैश किधर से आ रहा है किधर जा रहा है वो सब हम फिनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट्स मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, उस पॉइंट में रहेंगे हमारा बिजनेस, तभी हम क्या करेंगे उस टाइम में, सो रहेगा ब्रेक इवन पॉइंट्स विदाउट एनी प्रॉफिट और लॉस। और मिनिमम प्रॉफिट्स, मिनिमम प्रॉफिट्स मतलब विदाउट एनी मिनिमम प्रॉफिट्स में हम कैसे चलाएंगे विदाउट गिविंग हम लोग को चाहिए तो हम डिविडेंड देंगे नहीं देंगे, मिनिमम प्रॉफिट्स में कैसे चलेंगे वो हम लोग फिनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। इंश्योर कोऑर्डिनेशन, इंश्योर कोऑर्डिनेशन मतलब हर एक चीज अच्छे से जा रहा है, फिनेंशियल मैनेजमेंट कैसे सब एक साथ अच्छे से जा रहा है हम वो पढ़ेंगे फिनेंशियल मैनेजमेंट। गुड इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम फिनेंशियल मैनेजमेंट भी देखते हैं कैसे गुड इमेज रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से वर्क कर रहा है चल रहा है और बाहर का भी रेपुटेशन अच्छा गुडविल है, वो सब हम फिनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स में है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फिनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, तभी ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कितना हो उतना प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा हमारा बिजनेस डेवलप होगा, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है उन लोग को ज्यादा डिविडेंड देंगे, जो इन्वेस्ट किया है उन लोग जो कंपनी है उनको भी कि ज्यादा मैक्स दे सकते हैं हमारा पैसा। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कितना हो वेल्थ कितना ज्यादा बना सकते हैं वो रहेगा हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है फिनेंशियल मैनेजमेंट। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन आप सोच लो, तभी वो शेयर हम लोग पब्लिश करेंगे, तो उसमें क्या क्या है हम लोग अभी देखेंगे देखेंगे, मतलब
फॉर एग्जाम्पल टाटा सन्स अभी मेरे को लगता है प्राइवेट हो गया है, पहले वो पब्लिक था, पब्लिक कैपिटल था वो, पब्लिक शेयर्स ये कर देते हैं, तभी उसमें है शेयर होल्डर्स जो है, जो हम पैसा देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रहेंगे 5, जो शेयर होल्डर से ही हम लोग चूज करते हैं, उसका नीचे रहेगा एक प्रेसिडेंट, एमडी, सीईओ। अभी एग्जाम्पल फेसबुक, फेसबुक का सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, उसका इधर वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर जो जनरली मैनेज करता है हर मैनेजर को, जो मार्केटिंग है, फिनांस है, प्रोडक्शन मैनेजर है, आरडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर है, उन लोग सबको हम जो जिनका हेड है वो है वाइस प्रेसिडेंट, और उसका नीचे है मार्केटिंग मैनेजर जो मार्केटिंग में देखता है कैसे मार्केट कर सकते हैं ये एक ब्रांड, फिनेंशियल मैनेजर है जो फिनेंस को कैसे मैनेज करेंगे वो हम लोग प्लान करते हैं, फिनेंस मैनेजर उसमें है, ट्रेजरर और कंट्रोलर दोनों है, और प्रोडक्शन मैनेजर जो प्रोडक्शन का बारे में देखते हैं उसका कैसे है, रॉ मटेरियल्स कितना है और कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितना होना चाहिए इसी से प्लान करते हैं, और आरडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर जो वेरी इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक रिसर्च एंड विदाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी कैन नॉट ग्रो मोर, मतलब हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बहुत ही अच्छा एक फैक्ट्री वर्क, एक फैक्ट्री ओनर के लिए विदाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट अ फैक्ट्री कैन नॉट गो कैन नॉट इंक्रीज द प्रॉफिट और कैन नॉट सर्वाइव इन अ मार्केट विच वी लिव टुडे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अभी आईफोन कार है देख लो, पहले प्लेन आईफोन था, फिर आईफोन एक्स आया, फिर आईफोन प्रो आया, एक्स प्रो आया, वैसे डिफरेंस देखो, चौक चौक पहले तो ये चौकस में भी, चौकस में पहले सिंपल चौकस था, अभी फिर मून सेंस चार्स आया, फिर ब्लैक और व्हाइट आया, वैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डज द वर्क ऑफ इट। एंड फिनेंस मैनेजर का भी बीच में नीचे जो दो रहेंगे वो है ट्रेशरर और कंट्रोलर, फंक्शन ऑफ ट्रेशरर जो एक्सटर्नल मैटर्स देते हैं, एग्जाम्पल कैपिटल का प्लानिंग, कैसे कैपिटल हम लोग रेस करेंगे, किधर से, डिबेंचर, शेयर्स, टर्म लोन्स, उधर से हम रेस करेंगे, अरेंजिंग फंड्स एटलीस्ट पॉसिबल कॉस्ट, जो मैं पहले बोल रहा था, जो मिनिमम प्राइस, मिनिमम इंटरेस्ट, मैक्सिमम अमाउंट विथ मिनिमम इंटरेस्ट, मैं एक आपको एग्जाम्पल बताया था, होम लोन जो है एसबीआई में 6.75 है और एनकेजीबी में 7.75, वैसे तभी हम लोग किधर से लेंगे इंटरेस्ट, जो लो है उधर से लेंगे, 6.75 एसबीआई से, सो हम एसबीआई से 6.75 में लोन लेंगे, ना कि एनकेजीबी में जो है 7 या 7.5। और नेगोशिएशन फॉर ऑब्टेनिंग लोन्स जो मैं बोल रहा था, अभी हम दो तीन बैंक में गए, लोग सब अभी 7, 6%, 8% बोल रहे हैं, हम लोग किधर से लेंगे 6%, अभी 8% का हम लोग का पहचान वाला है, उनको हम नेगोशिएट करेंगे लोन के लिए, मतलब हम 6 ही देंगे, हम लोग को 6 दे रहे हैं आपको, हम 6 ही दे सकते हैं, वैसे बात करेंगे, और नेगोशिएटिंग विद ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, हम लोग नेगोशिएट करेंगे ब्रोकर से, मर्चेंट बैंकर से, हम लोग कैसे सिक्योरिटीज में हम लोग कैसे नेगोशिएशन कर सकते हो, फंक्शन ऑफ कंट्रोल जो इंटरनल वर्क्स में कंट्रोल करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट जो फिनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, कैश बजट कितना हम लोग का बजट है, इस बजट में हम लोग को क्या क्या करना है, इतना बजट में हम लोग को पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट करके फिनिश गुड्स बाहर भेजना है, वैसे रहेगा, और बजटरी कंट्रोल कितना बजट है हम लोग बजट को कंट्रोल करने देखेंगे, इतना बजट का अंदर ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, और गया तो कैसे हम लोग नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, और है अकाउंटिंग्स, अकाउंटिंग्स जो है फिनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट्स, फिर
बैंक, डबल कॉलम कैश बुक, और क्या है, BRS, बैंक रिकलेक्शन स्टेटमेंट। फिर क्या हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, पढ़ते हैं जो 11th 12th में पढ़ते हो। MIS रिपोर्टिंग प्रिपरेशन, मैनेजर सिस्टम रिपोर्टिंग, जो रिपोर्ट रिपोर्ट्स बनाता है जो कैसे चल रहा है हमारा प्रोडक्शन। वो सब कंट्रोलिंग ऑफ फ्लो ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेस, कैसे हम रिसोर्सेस को कंट्रोल कर रहे हैं, कितना हम लोग कंट्रोल हो पा रहा है, जो फ्लो एक्स्ट्रा फ्लो नहीं हो रहा है, हमारा जितना पैसा है उससे ही हम लोग जा रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा नहीं है रहा, हम लोग जो बजट चूज किया उसके अंदर से ही हमारा हो रहा है। इंटरनल ऑडिटिंग, इसमें कुछ घफला हुआ क्या, कितना हम लोग इंटरनली किया है उससे घफला हुआ क्या, वो चेक करता है जो है कंट्रोलर। टेकिंग स्टेप्स टू रिड्यूस वेस्टेज, किधर भी मनी वेस्ट है तो अगला बार कैसे नहीं वेस्ट करेंगे, वो हम लोग एक कंट्रोलर देखता है। और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो को देखेंगे अभी, और ये है एक सम, अभी नहीं करेंगे सम, हम आज इसमें से।